दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने आई फिल्म तो जरूर देखी ही होगी, जिसने टॉलीवुड के साथ बॉलीवुड में भी बहुत नाम कमाया और 2015 के बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ की कमाई की। टॉलीवुड को इतना लोकप्रिय करने में कुछ काबिल एक्टरों का हाथ रहा है, और जिनमें से एक है कैनेडी जॉन विक्टर, जो कि साउथ के सुपरस्टार भी कहलाए जाते हैं। कैनेडी जॉन विक्टर अपनी फिल्म करियर के नाम विक्रम से ज्यादा जाने जाते हैं। ये एक भारतीय एक्टर और सिंगर हैं, जो ज्यादातर तमिल पर्दे पर ही नजर आते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 17 अप्रैल 1966 से, जहां विक्रम का जन्म कैनेडी रूप में एक क्रिश्चियन पिता और माता हिंदू के यहां मद्रास तमिलनाडु में हुआ। उनके पिता जॉन विक्टर उर्फ विनोद राज फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए घर से भाग गए थे। हालांकि इन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो ये करना चाहते थे, मगर तमिल फिल्मों में साइड रोल एक्टर की भूमिका में नजर आए, जिस कारण इन्होंने विक्रम को फिल्म जगत में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। और इनकी इच्छा भी थी कि ये विक्रम को एक लीडिंग एक्टर के रूप में देखें। विक्रम की माँ एक सब कलेक्टर थी और इनके भाई त्यागराज तमिल फिल्मों में एक अच्छे पहचान रखने वाले डायरेक्टर हैं। विक्रम ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल यारकोट के माउंटफुट स्कूल से की। विक्रम बताते हैं कि उन्हें स्कूली दिनों में कराटे, हॉर्स राइडिंग और स्विम बहुत पसंद थी, जिस कारण वो स्कूल की प्रतियोगिता में शामिल होते थे और स्कूल के थिएटर क्लब में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इन्होंने अपना डेब्यू 1990 की फिल्म एन कादल कानेमनी में अपनी शुरुआत की, जिसके बाद 1990 के दशक में छोटे बजट की फिल्म तमिल, मलयालम और तेलुगु। 1999 में बाला की त्रासदी फिल्म सेतु, जिसमें विक्रम एक बदमाश प्रेमी के रोल में नजर आए, जिसके बाद विक्रम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2000 के दशक के शुरुआत में विक्रम बहुत सी मसाला फिल्मों में नजर आए, जिसमें दिल 2001, मिथुन 2002, धूल 2003, शामी 2003 बहुत ही हिट साबित रहीं। इन्हें अब तक 7 फिल्मफेयर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड और तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और यही नहीं, बल्कि इन्हें मई 2011 में मिलन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट से भी नवाजा गया है। और अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो सन 1990 में इनका मिलना शैलजा बालाकृष्णा से हुआ, और इसके 2 सालों बाद इन्होंने उनसे शादी कर ली, और इनसे इन्हें एक बेटी अक्षिता और एक बेटा ध्रुव है। इन्होंने बहुत से सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और 2011 में संयुक्त राष्ट्र मानव कल्याण के लिए युवा के रूप में दिखाई दिए। ये एक संजीवनी ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और विशेष बच्चों के लिए एक स्कूल भी चलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कैनेडियन जॉन विक्टर की।